जब इस देश में बीजेपी, इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये कहा था कि हम किसान की आय दो गुना करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, आय दो गुना तो बहुत दूर की बात होगी। आज के हालात जो है, आज की जो तारीख में किसान जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में आज किसान है, ऑनलाइन की बात करी गई, जहाँ किसान को आज भी अपनी फसल बेचने में कठिनाई है, आज भी बहुत सारे किसानों के टेलीफोन मेरे पास सुबह से शाम तक बजते हैं, जो ये कहते हैं कि आज तक मेरी सरसों की तुलाई का नंबर नहीं आया। और ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जिनका गेहूं आज भी अपने घरों में पड़ा है, और जो कोई किसान मंडी में ले गया और बारिश की वजह से जिस किसान की गेहूं तुली नहीं उस दिन, और उस बारिश की वजह से खराब हो गई, बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के किसान की फसल मंगवा ली, जब वो पानी में भीग गई तो उस किसान को कह दिया कि हम तेरी फसल नहीं लेंगे। जिस किसान ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को अपनी सरसों तुलवाई या अपनी गेहूँ तुलवाई, आज तक उस किसान को जो है उसका भुगतान नहीं हुआ सरकार की तरफ से पैसे का। आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए, जो पैसा केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को तो भेज दिया भुगतान के लिए, लेकिन वो उसका बैठे बैठे ब्याज खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उस पैसे का, सरकार में बैठे लोग जो है, बजाय किसान को पैसा देने। जब से इस देश में बीजेपी, इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये कहा था कि हम किसान की आय दो गुना करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, आय दो गुना तो बहुत दूर की बात होगी। आज के हालात जो है, आज की जो तारीख में किसान जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में आज किसान है, ऑनलाइन की बात करी गई, जहाँ किसान को आज भी अपनी फसल बेचने में कठिनाई है, आज भी बहुत सारे किसानों के टेलीफोन मेरे पास सुबह से शाम तक बजते हैं, जो ये कहते हैं कि आज तक मेरी सरसों की तुलाई का नंबर नहीं आया। और ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जिनका गेहूं आज भी अपने घरों में पड़ा है, और जो कोई किसान मंडी में ले गया और बारिश की वजह से जिस किसान की गेहूं तुली नहीं उस दिन, और उस बारिश की वजह से खराब हो गई, बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के किसान की फसल मंगवा ली, जब वो पानी में भीग गई तो उस किसान को कह दिया कि हम तेरी फसल नहीं लेंगे। जिस किसान ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को अपनी सरसों तुलवाई या अपनी गेहूँ तुलवाई, आज तक उस किसान को जो है उसका भुगतान नहीं हुआ सरकार की तरफ से पैसे का। आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए, जो पैसा केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को तो भेज दिया भुगतान के लिए, लेकिन वो उसका बैठे बैठे ब्याज खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उस पैसे का, सरकार में बैठे लोग जो है, बजाय किसान को पैसा देने।